रोहतास जिले में आवास सहायिका के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लाभुक महिला से बतौर कमीशन 20,000 रुपए रिश्वत लेने का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। आरोपी मंजुषा कुमारी पर कार्रवाई न होने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आवास सहायिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि डेहरी प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित आवास सहायिका के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक महिला से बतौर कमीशन मंजूषा ने 20,000 रुपए ऐंठ ली। वहीं लाभुक महिला ने इस बात की लिखित शिकायत प्रखंड के वीडियो को दी, लेकिन वीडियो ने मामले को रफा दफा कर दिया और आरोपी आवास सहायिका पर कार्रवाई तक नहीं की। वहीं जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया तो उल्टे उन पर आवास सहायिका ने छेड़खानी का आरोप लगाकर SC/ST थाने में FIR दर्ज करा दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि जल्द ही आवास सहायिका पर कार्रवाई की जाए, साथ ही बर्खास्तगी हो, अन्यथा भाजपा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24 लाइव। घुस लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री आवास योजना में घुसखोरी बंद करो, बंद करो। में हल वसूली करना बंद करो, बंद करो। सरकार को बदनामना बंद करो, बंद करो। एफिडेविट करा करके दे दी। अब BDO साहब कहते हैं कि ये जो लाभुक है वो लिख कर दे दी है कि हम केस उठा लिए हैं। ये लाभुक सामने मौजूद है कि जब एफिडेविट आपने ले लिया और एफिडेविट लेने के बाद जब इसने लिखा कि इस पर क्यों नहीं आपने केस किया, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उस जो आवास सहायिका है उस पर तुरंत अविलंब FIR किया जाए। बर्खास्त किया जाए। BDO साहब को बर्खास्त करने का हम इन लोगों को क्या ही है? हम लोग आगे कलेक्टर साहब को देंगे, लिखेंगे, कल जाकर कलेक्टर साहब से लाभुक खुद मिलेगी और जाकर कहेगी कि अपना ये गलत हमारा मोहर देकर कह रहे हैं कि हमने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अभियान चलाया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और बिहार होगा, उस क्रम में हमारे भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष ने यहाँ पर इस ब्लॉक में किसी भ्रष्टाचार का विरोध किया। उसमें मथुरी पंचायत के आवास सहायिका मंजुषा कुमारी द्वारा लाभुक से 20,000 रुपया की मांग की गई और उन्होंने दिया भी, उसने दिया भी, उसका सारा साक्ष्य है। उसने एफिडेविट कर करके भी दिया, हम लोगों ने मिला था, लेकिन उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर करके उस आवास सहायिका द्वारा हमारे प्रखंड अध्यक्ष पर ही उल्टा छेड़छाड़ का आरोप लगा करके एक ST केस किया गया, जो कि आवास भ्रष्टाचार को दबाने का, भ्रष्टाचार करने की छूट चाहती है वो कि भ्रष्टाचार हो, और ये BDO भी चाहते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सपनों का जो है विकास हो रहा है, उसको कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप हम लोग लगने नहीं देंगे, और अविलंब उसकी बर्खास्तगी नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने पर मजबूर होंगे।